नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नसुलगज मां बिजासन धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु को पंडाल लगाकर कर रहे हैं सेवा। नगर में इस समय नवरात्रि पर्व का धूम मची हुई है। वही क्षेत्र के सलकनपुर में स्थित बिजासन माता के दरबार में पैदल दर्शन जाने वाले श्रद्धालु भक्तों को जगह जगह पंडाल लगाकर उनके विश्राम व सपहार की व्यवस्था नगर में लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाज सेवी राज ठाकुर एवं उनकी मित्र मंडली द्वारा विगत 9 वर्षों से सलकनपुर पैदल जाने वाले यात्रियों के विश्राम सपहार की व्यवस्था नवरात्रि के 9 दिनों तक की जाती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक रोजाना खाने से अलग अलग वस्तुएं दी जाती हैं, जैसे फलियारी, खिचड़ी, खीर, हलवा, चाय, पानी की माता रानी को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद श्रद्धालु भक्तों को बांटा जाता है। वाकई नवरात्रि पावन त्योहार माँ की भक्ति और उपासना का पर्व है। समाज सेवी राज ठाकुर का कहना है कि उनको माँ के अनन्य श्रद्धालु भक्तों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है, इसलिए उनकी मित्र मंडली द्वारा विगत 9 वर्षों से श्रद्धालु भक्तों की सेवा की जा रही है। नसुलगन से चांदमिया की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।